सत्ता में महेशपट्टी पंचायत और यहाँ की मुख्य उम्मीदवार है रूबी नाथ, इनसे जानते हैं कि उनमें ऐसा क्या नजर आया। रूबी नाज में हमको ये नजर आया कि जनता के बीच रहकर, जनता के सुख दुख में रहकर जनता का सेवा करेंगी और इस पंचायत को ढंग से लेकर के चलने का काम करेंगी। ऐसा तो नहीं आप उनके समर्थक हैं इसलिए, या उनके अगल बगल घर है इसलिए से बोल रहे हैं? अगर मैं उनका समर्थक हूँ तो किसी का विरोधी भी नहीं हूँ, किसी का विरोध भी नहीं करता हूँ और न करूँगा। रह गया कि बदलाव की जरूरत है पंचायत को, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। ऐसा क्या पूर्व मुखिया ने किया जो बदलाव की ओर आप लोग बढ़ गए? मैं उनका कोई शिकायत नहीं करना चाहूँगा और न ही कभी किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर 5 साल पर प्रतिनिधि को बदलते चले। नाम आपका? सज्जाद अहमद। इस बार किस दिशा में आप लोग जा रहे हैं? पीछे बहुत लोग दिख रहे हैं। रूबी नाज के तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्या ऐसा क्या खूबी नजर आया? इनके पास जो है सो समाज के साथ बहुत भलाई करते हैं, समाज को लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ इनके घर के दरवाजे के पास है या इनके समर्थक रैली में निकले हुए हैं इसलिए बात बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उनकी भला देख के हम लोग साथ हैं उनके साथ। और हम लोग जो रिजवी भाईजान को बनाए, तो 10 बरस उनको बनाए, वो खाली जो है सो समझिए पंचायत के पीछे कुछ काम नहीं करते हैं और जहाँ तक ये बदमाशों का साथ देते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? चमुखी विकास हुआ है? चमुखी विकास गांव नहीं हुआ? सड़कें नाली वगैरह नहीं गांव नहीं बनी है एकदम। सड़क बनी है, वहाँ जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर कुछ नहीं, बाड़े बाड़ जाके कुछ नहीं चेक करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, कैसे कर सकते हैं? अब मिला है, ये सब गबन करते हैं, बनाना नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। बिल्कुल, बहुत सारा चीज जो है वो अधूरा बचा हुआ है, जिससे हम है और हमारी जनता को यह उम्मीद है कि नया मुखिया जो आएगा वो जो बचा हुआ काम सब है उस काम को पूरा करेगा। हम आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपका जो अपना मत है, बोलिए, वो किस दिशा में जा रहा है? अभी जिस तरह हमारी पूरी जनता जा रही है उसी तरफ जा रहा है, और वो जा रहा है रूबी नाच की तरफ। उनमें ऐसा क्या आपने खूबी देखा या ऐसी क्या अच्छाई नजर आई या ऐसा क्या सामाजिक काम नजर आया? जी, हमें ये देख रहे हैं और हमारी पूरी जनता देख रही है कि आज बरसों से वो हर दुख दर्द में लोगों के नजदीक फौरन पहुंचता है और वो जो पहुंच करके उसकी सेवा करने की कोशिश करता है और जहां तक हुआ है वो करता ही रहा है। इससे उम्मीद बनी है, उम्मीद बनी है कि वो आइंदा करे। कोई सामाजिक काम बताए? हाँ, सामाजिक काम ये है कि हर दुख दर्द में वो शामिल है, चाहे वो झगड़ा हो, तकरार हो, आपसी जो है शादी हो, ब्याह हो, या किसी भी तरह का जहाँ तक उसके हाथ में पावर है उतना वो करता ही है और करता रहे। लेकिन ये तो सारा सामाजिक काम जो है और भी प्रत्याशी करते होंगे ना, इसलिए पैसा तो नहीं है कि यही? हाँ, जहाँ तक यह बात है तो जो मौजूदा मुखिया हमारे हैं या जो मौजूदा सरकार हमारी है, करना तो उसी को है, इसलिए कि सरकार ऐड उनके जरिए भेजता है, उस ऐड को सही तरीके पर अगर लागू करता है तो फिर उससे जनता खुश है, लेकिन सही तरीके पर लागू नहीं हुआ है जिसकी वजह कर हमारी जनता बदलाव चाह रही है। लेकिन बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे चौमुखी विकास हुआ है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन आखिर ये जनता को क्या सूझ रहा है कि चौमुखी विकास नहीं हुआ है? तभी तो ये जनता जो है वो एक साइड उभर रही है। कोई उपाय नहीं है चाचा जी, कोई उपाय नहीं है, आप लोग परिवर्तन के लिए निकल ही दिए हैं। हाँ, मेरी जनता तो यही कह रही है कि हम परिवर्तन करेंगे। अभी किन की रैली में आए हुए हैं? रूबी नाच के। क्या इनके समर्थक हैं आप जी? वोटर है? वोटर। क्या लगता है इस बार ये निकले हुए हैं? कहाँ निकले हुए? हाँ, और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन उससे आगे ये निकल रहे हैं। ऐसा क्या इनमें नजर आया आपको, क्या खूबी नजर आई? ये सज्जन व्यक्ति हैं और परहेजगार और गरीब ताई से लिपटे हैं, इसलिए इससे पहले से भी ये गरीब के नजदीक कोई भी ऐसा कठिनाई में जाते आते हैं। बाकी लोग सज्जन नहीं है क्या? बाकी लोग अगर सज्जन रहते तो हम लोग को ये दिन देखना पड़ता। अभी हम महेशपट्टी पंचायत और यहाँ के मुख्य उम्मीदवार रूबी नाज और यहाँ के ग्रामीणों को जानते हैं जी कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या समस्या है? गरीबों का जो है सो विकास होना
रोड बिजली ये सब के लिए विकास होना, और अभी जो रूबी नाज खड़ी हैं वो गरीब परिवार से हैं, सारा काम करेंगे। तो क्या पूर्व मुखिया ने नहीं किया है सारा विकास का काम? हाँ वो भी किए हैं, लेकिन बदलाव तो होना चाहिए ना। मतलब बदलाव के लिए ही आप लोगों ने मतलब हाँ किए हैं। अभी जो रूबी नाज जो मुखिया जी उम्मीदवार हैं जी, उनका क्या लक्ष्य है कुछ बताया? हम लोग उनके गाँव के हैं जी। ऐसा क्या खूबी नजर आया उसमें? अच्छे परिवार के हैं और अच्छा विश्वास के आदमी हैं, काम करेंगे ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कईम अंसारी। आज हम आए हुए हैं लखनीपुर महसपट्टी पंचायत और यहाँ की मुखिया उम्मीदवार रूबी नाज पति मोहम्मद चांद से हम जानते हैं कि पंचायत में अगर जनता ने 5 साल मौका दिया पंचायत चलाने का तो ये किस तरीके से पंचायत चलाएंगे और उनका क्या लक्ष्य है? हम गरीबों के साथ मिलके गरीब के साथ कदम से कदम मिला के विकास का काम करेंगे। हर गरीब जनता के दुख सुख में हम शामिल रहेंगे। सारी योजना है, बहुत सारा योजना है जिसको हम चलाएंगे। ज़मीन पर वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास में है ना, उसके बाद रोड नली गली जितना भी जल नल योजना में त्रुटि है सारे त्रुटि को हम लोग ठीक करेंगे और हर घर नल जल पानी पहुंचाने का काम करेंगे। जितनी भी समस्या है पानी जल जमाव का उसका जो है निदान करेंगे। तो इससे पहले नहीं हुआ क्या? इससे पहले बहुत सारा विकास नहीं हुआ है ना, गांव ग्राम में पानी जल जमाव इस तरह से है कि लोग चलने के लिए जो है ना बेहाल है। तो ये आपका मेन लक्ष्य है जी, और विकास सबसे बड़ा लक्ष्य है ना, और एजुकेशन ये सारे चीज पे मेरा फोकस रहे। शिक्षा में कैसे फोकस दीजिएगा? शिक्षा में जो है जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र है ना, शिक्षक लोग हैं आंगनबाड़ी से जो बच्चे पढ़ के फिर स्कूल में जाते हैं उस पर जो है काम किया जाएगा। स्वास्थ्य पे कैसे फोकस? स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है जो बंद रहता है उस पर हर दिन खुलने का जो है लक्ष्य रखेंगे है ना। सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का, जिससे बहुत सारी समस्या अब सामने आएगा। आप अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि गरीब सब लोग मिल के है ना एक सेवा का मौका दें, और मैं पीछे से भी सेवा करते हुए आया हूँ, लोगों के बीच हम रहते हैं है ना, और लोगों के बीच रहेंगे। कलम दवात छाप है क्रमांक संख्या 3 पे। इंडिया की आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी धन्यवाद।